अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन, और इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने काफ़ी सारे डिवाइसेस दिखाई थी, तो कुछ रिमेनिंग थी जो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बॉक्स पैक डिवाइसेस है, अनबॉक्स करेंगे और उनकी स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा, क्या स्पेक्स मिल रही हैं और क्या प्राइस है। ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी डिवाइसेज हैं। तो ये सारे डिवाइसेस तो आप देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, वन प्लस S2V जो कि 16 GB रैम 256 GB रोम का वेरियंट है, और इसमें डायमेंसिटी 9000 की चिपसेट मिल रही है, और इसका डिस्प्ले डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी बहुत ही आउट क्लास मिल रहा है। इसके साथ साथ इस पर PTA टैक्स भी बहुत कम है, तो ये डिवाइस के लिए ज़रा काफ़ी ज़रा डिमांडेड है। इससे पहले भी काफ़ी डिवाइसेज जा चुकी हैं, तो ये नेक्स्ट शिपमेंट में 10 डिवाइसेज जा रही हैं। इसके अलावा कुछ बॉक्स पैक डिवाइसेज भी हैं, जिसमें रेनो 10 प्रो है, वन प्लस एस, वीवो V27 है, और इसके अलावा रेनो 10 है जिसको मैं अभी अनबॉक्स करके आपको दिखाता भी हूँ। बाकी कुछ डिवाइसेज जो हमने लास्ट वीडियो में अनबॉक्स की थी, जिसमें नॉट 3 था, रियलमी GT3 था, पोको F5 था हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास ये कुछ डिवाइसेज रियलमी पोको F5 भी हमने अनबॉक्स किया था, सॉरी। तो ये डिवाइसेज थी, आज मैं आपको रेनो 10 दिखाता हूँ अनबॉक्स करके। जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं, हमारे पास ये एक ओप्पो की तरफ से बॉक्स मिलता है, जिसमें यहाँ पे देखते हैं तो एक सिलिकॉन केस मिल रहा है हमारे पास, इसको रख देते हैं साइड पे। उसके बाद है हमारा डिवाइस ओप्पो रेनो 10 5G। अच्छा, यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स स्पेक्स भी लिखी गई हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें अल्ट्रा क्लियर पोर्ट्रेट कैमरा मिल रहा है, 32 MP का टेलीफोटो कैमरा है, 67 W का सुपर वोक चार्ज है, 5000 mAh की बैटरी है। और डिवाइस का अगर मैं लुक दिखाऊं आपको, वाओ ज़बरदस्त, डिवाइस का लुक बहुत ज़बरदस्त है। ब्लू कलर है मेरे पास, आइस ब्लू। उसके साइड का जो डिज़ाइन है ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। और इसकी स्पेक्स की बात करूं, है ये 8 GB रैम 256 GB रोम का वेरियंट है, इसमें डायमेंसिटी 7050 की चिपसेट है जो कि 6 nm फैब्रिकेशन पर बेस करती है। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 1 billion कलर वाला 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। और चार्जर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर चार्जर की पावर हमारे पास ये 67 W का चार्जर मिल रहा है सुपर वूक, और एक चार्जिंग केबल मिल रही है, टाइप सी कनेक्टिविटी यहाँ पे हमें मिलेगी। इसके अलावा 32 MP का सेल्फी कैमरा है, 64 MP प्लस 32 प्लस 8 MP के तीन कैमरे बैक साइड पे हैं, और डिवाइस का डिज़ाइन लुक बहुत अच्छा है, तो ये डिवाइस मुझे भी काफ़ी पसंद आई। अब हम इसी की बड़ी डिवाइस कह सकते हैं आप, रेनो 10 प्रो को अनबॉक्स करते हैं। अब रेनो 10 प्रो को अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे भी हमेशा की तरह एक बॉक्स है, जिसके अंदर यहाँ पे यकीनन सिलिकॉन पाउच होगा हमारे पास, सिम इजेक्टर टूल, पेपर वर्क और सिलिकॉन पाउच को रख देते हैं साइड पे। उसके बाद है हमारी डिवाइस रेनो 10 प्रो, और यहाँ पे भी अल्ट्रा क्लियर पोर्ट्रेट कैमरा, 32 MP टेलीफोटो यहाँ पे पोर्ट्रेट कैमरा मिल रहा है, 80 W सुपर वूक फोलेस चार्ज है, 120Hz का हायर रिफ्रेश रेट का यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलेगा। और बाकी निकाल के देखते हैं लुक कैसी है इसकी, और लुक ज़्यादातर मैच कर रही है, सेम लग रही है जो अभी हमने इससे पहले अनबॉक्स किया रेनो 10। रेनो 10 प्रो के लुक में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। ये हमारे पास पर्पल कलर है इसका, और ये 12 GB रैम 256 GB रोम का वेरिएंट है, और कर्व डिस्प्ले है। हाईलाइट स्पेक्स की बात करूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, ये एमोलेड डिस्प्ले हमें मिल रहा है 1 billion कलर वाला, इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट हमें मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे चिपसेट यूज हुई है स्नैपड्रैगन 778G की, जो कि 5G चिपसेट है और 6 nm फैब्रिकेशन पर बेस करती है, 12 GB रैम 256 GB रोम का वेरिएंट, और इसके अलावा 50 MP प्लस 32 MP प्लस 8 MP के तीन कैमरे बैक साइड पे, 32 MP का सेल्फी कैमरा, स्मॉल होल पंच कैमरा सेंटर में मिल रहा है, 4600 mAh की बैटरी, और इसके अलावा हमारे पास चार्जर 80 W का होगा इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 W का सुपर वूक चार्जर मिल रहा है, और एक चार्जिंग केबल है जो कि माइक्रो टाइप सी कनेक्टिविटी हमें यहाँ पे मिलेगी। तो ये है रेनो 10 प्रो। अब देख लेते हैं हमारे पास अब नेक्स्ट डिवाइस, हम वीवो V27 को अनबॉक्स करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस हम वीवो V27 को अनबॉक्स कर रहे हैं, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त स्पेक्स के साथ आती है, फ्लैगशिप डिवाइस है, और पाकिस्तान में तो सिर्फ वीवो का इसका लाइटर वर्जन लॉन्च हुआ है V27e, लेकिन उसकी प्राइस भी आप देखें 1,20,000 रुपये के अंदर लॉन्च किया है, जबकि अगर आप V27 यहाँ पे देखते हैं तो इसकी प्राइस काफ़ी कम है, और इसमें टैक्स भी बहुत कम है पाकिस्तान में, ऑफिशियल PTA प्रूफ भी करवा सकते हैं। अच्छा, डिवाइस का देखने से पहले मैं आपको बॉक्स का कंटेंट दिखाया था, एक सिलिकॉन केस मिल रहा है प्रोटेक्टिव, इसके अलावा पेपर वर्क है, चार्जिंग केबल है, एक चार्जर है, और चार्जर भी देखते हैं यहाँ पे कोई मेंशन है, फास्ट चार्जिंग मेंशन तो नहीं है, देख लेते हैं कितना चार्जर है फास्ट हमारे पास यहाँ पे। ये 80 W का चार्जर है, 20 W 4A मैक्सिमम 80 W फास्ट चार्जिंग हमें यहाँ पे मिलेगी। अब हम देख लेते हैं डिवाइस हमारी यहाँ पे, और ब्लू कलर है, डिवाइस का लुक बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त,
मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कर्व डिस्प्ले है, स्मॉल होल पंच कैमरा सेंटर में मिल रहा है। डिस्प्ले साइज 6.78 इंचीज का है, जिसमें एमोलेड है कलर, एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 1 बिलियन कलर वाला 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें चिपसेट है डायमेंसिटी 7200 की, जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करती है। 12 GB रैम, 256 GB रोम का वेरियंट है। कैमराज की बात करें तो यहाँ पे 50 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP के 3 कैमरे हैं, और फ्रंट साइड पे भी 50 MP का कैमरा मिल रहा है। इसके अलावा 4600 mAh की बैटरी है, 80W की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो कलर भी मुझे काफी अच्छा लगा, स्पेक्स भी काफी अच्छी हैं, और PTA टैग्स भी काफी कम है, तो ये डिवाइस भी काफी अच्छी लगी मुझे। तो काफी सारी डिवाइस मैंने आज आपको अनबॉक्स करके दिखाई हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने पोको F5 अनबॉक्स किया, Realme 11 अनबॉक्स किया था, OnePlus S GT3 अनबॉक्स किया था, और Note 3 अनबॉक्स किया था। आज की वीडियो में भी हमने Realme 10, Reno 10, Reno 10 Pro और Vivo V27 अनबॉक्स किया है। इससे अलावा हमारे पास किट्स भी हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इन डिवाइसेज या इन डिवाइसेज के अलावा दूसरी डिवाइसेज के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अल्लाह हाफिज़।